भरतनाट्यम पहले सीखने का मकसद ये था कि मुझे बहुत पसंद था, और जब मैं प्रैक्टिस करती थी किसी प्रोग्राम को मन में रख के नहीं करती थी। तो पहला जो मेरा सफ़र रहा, मतलब जब मैं 20s में थी, तब बिल्कुल मैंने ना प्रोग्राम सोचा, ना नाम, नेम, फेम, कुछ भी नहीं सोचा। बस मुझे वो करने में अच्छा लग रहा था, और तब मैंने ये भी नहीं सोचा था कि ये एक माध्यम है जिसमें से मैं एक एक अच्छा इंसान बन सकती हूँ या भगवान की ओर बढ़ सकती हूँ, तब मैंने नहीं सोचा था। लेकिन जैसे 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 मैं और भी धीरे धीरे डूबने लगी भरतनाट्यम के भीतर, डूबने लगी, तब ही मुझे समझ में आया कि ये एक माध्यम है, एक एक सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन का। तब तभी मुझे लगा, तब मैं सीख रही थी तब मुझे नहीं लगा था, तब बिल्कुल एक डांस करने का मज़ा था, तब वही हुआ। उसके बाद फिर हमको लगता है चलो इतना मेहनत कर रहे हैं और सब बोल रहे हैं कि अच्छा लग रहा है, टैलेंट है, तो फिर क्यों ना आगे बढ़ के इसको शेयर करें, कुछ लोगों के सामने इसको दिखाएं। और तब फिर नाम और फेम आने की एक इच्छा बढ़ जाती है। तो वो तो लास्ट लास्ट सेगमेंट था मेरा, उससे पहले नहीं था इसका।